सर, मेरा विश्वास कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है अजीत, और तुम तो वहम का शिकार तब से थे जब तुम घर से चले थे। मेरा कहा मानो तो अपने पंडित जी की माला जपना। अरे मजाक मत करो, इसके जख्म झूठ बोल रहे हैं क्या? The place is haunted. अजीब और गरीब चीजें देखने को मिल रही। जी जी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। विकी, we are leaving. चल चल चल, जल्दी जल्दी चल। क्या हुआ डैडी? क्या जरूरी है कि हर बात में तुझे बताऊं? सामान जीप में रख, हम लोग वापस आ रहे हैं। अरे मेरी बात क्या सुनू तेरी बात? तू मेरी बात सुनता नहीं। We are leaving. संगे। We all leaving, you understand? Yes. We all going. ये भूचाल। सर लगता तो कुछ ऐसा है कि लोग खंडर के बारे में कुछ कह रहे हैं। फिर तो पैगाम हो गया सर, चलो जल्दी चले। मैं जाऊं उनके साथ। विकी प्लीज, तू मत जा। नहीं बाबूजी, बाबूजी वो देखिए, बाबूजी वो देखिए, वो खड़ा खुद खुद बन गया, पता नहीं कैसे बन गया। अजीत संभल के, क्या गर्मी है यहाँ। हाँ सर, बाकी काफी गर्म है। सर, सर नीचे जाने का रास्ता। सर मैं पहले जाता हूँ। ओके, लेट मी गो सर। ओह माय गॉड, अजीब बात है। क्या हुआ सर? हजारों सालों से जगह जमीन के नीचे दबी हुई है, लेकिन कोई वेजिटेशन नहीं, घास फूस कीड़े मकोड़े कुछ होना चाहिए। सर इधर देखिए, तो वही है जिसके फोटोग्राफ हमें किशोर ने भेजे थे। सर किशोर, किशोर तो नीचे आया नहीं था, फिर उसके फोटोग्राफ उसने कैसे लिए? सर जल्दी आइए, एक अजीब चीज है यहाँ, जल्दी आइए सर। और मेरे साथ सर। क्यों सर? पंडित देखो, देखो भूलिया। अरे महेश, हीरे जवाहरात से जुड़े खोदो, ये देखो सर। आकाश ये तस्वीर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज होगी, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट। इस तस्वीर के बारे में अगर सब कुछ पता चल जाए तो सारी दुनिया के लिए एक चौंका देने वाली बात होगी। चलो चलो, हम चारों तरफ सर्वे करते हैं। अजीत सर, वो दरवाजा खुला रहता है। चल जापानी चल, हाँ धक्का लगाओ। हिलना नहीं।
बंदरों में तो थोड़ी हरकत पर हिसाब काट लेते हैं, पर ये तो अजीत बाबू ये अपना जापानी है, अगर सांप इसे काटता तो खुद न मर जाता। एक मिनट, झगड़ा मत करो, ये महसूस करो कि यहाँ इतनी ठंडक क्यों है जबकि ये जगह काफी अंदर है, यहाँ तो गर्मी होनी चाहिए और यहाँ घासपूस भी है और सांप भी। ऐसा लगता है कि ये उस लड़की की माँ है। वाह, राजकुमारी उस हीरे जवाहरात के महल में और माँ इस कोने में। लगता है कि उस जमाने में भी बच्चे मामा को बुढ़ापे में बाहर फेंक दिया करते थे। महेश बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर। सर ये तो साबित हो गया किशोर नीचे नहीं आया था, वरना वो इस तस्वीर की धूल को साफ कर देता। तुम ठीक कह रहे हो अजीत, उसकी तस्वीर भी भेजता और इसके बारे में खबर भी करता तो किशोर। अरे पंडित किशोर, किशोर लगता है ये बेवकूफ भी पंडित की तरह बगैर देखे नीचे आ गया होगा। महेश सर मैं सर्वे करता हूँ। सर सर ये पन्ने आई थिंक ये सब एक ही किताब के होंगे। सर शायद इन्हीं महाशय ने एक किताब लिखी है। शट अप। सॉरी सर। इस किताब के पन्ने इकट्ठे कर लो। शाका अनवर किशोर की बॉडी नीचे उतारो। बेटी तुम्हें तो संस्कृत आती है, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हिंदी में बताओ। मैं संग्रामगढ़ का राजगुरु ये पुस्तक लिख रहा हूँ। लिखने का कारण ये है कि संग्रामगढ़ का राजगुरु होने के नाते आने वाली पीढ़ियों को मैं ये बता सकूं कि संग्रामगढ़ की बर्बादी का कारण एक भटकती हुई आत्मा है, और वो आत्मा है राजकुमारी सूर्यलेखा की। राजकुमारी सूर्यलेखा को इसलिए राजगद्दी मिली कि पहली बार राज्य में राजमाता की कोख से किसी राजकुमार ने जन्म नहीं लिया। राजमाता की हुकूमत में प्रजा इतनी खुश थी कि उन्होंने राजकुमारी को भी महारानी के रूप में खुशी से स्वीकार कर लिया। मगर राजकुमारी को शुरू से ही पुरुषों से घृणा थी, और ये घृणा इस हद तक थी कि उसने कभी विवाह न करने का निर्णय ले रखा था। मगर वंश को आगे बढ़ाने की चिंता में राजमाता हर समय बेचैन थी, पर सूर्यलेखा विवाह न करने पर अटल। राजमहल में कोई यह नहीं जानता था कि सूर्यलेखा हर प्रातःकाल कहां जाया करती थी। ये राजमाता को भी मालूम नहीं था। न्याय के इस मंदिर के बाहर वो उस काली गुफा में जाती थी जहां उसने ऐसे ऐसे दरिंदे पाल रखे थे जो उसकी तरफ शादी का हाथ बढ़ाने वाले हर इंसान को चीर फाड़ कर रखते हैं। लेकिन मुझे पता चल गया, और यह दृश्य मैंने राजमाता को दिखाया कि सूर्यलेखा ने न केवल दरिंदे पाले थे पर नरभक्षक और खूनी चीते भी पाले थे। इस राज्य का शुभचिंतक होने के नाते मैंने राजमाता से यह खूनी खेल बंद करने के लिए कहा। रुक जाओ सूर्यलेखा, जिस व्यक्ति को यहाँ की प्रजा राजगुरु और हम तुम्हारे लिए चुनेंगे तुम्हें उसी से विवाह करना होगा, और उसकी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, ये हमारी आज्ञा है। और हमने तुम्हारे लिए एक राजकुमार भी पसंद कर लिया है, और वो है राजगढ़ का कुंवर अमर सिंह। Ha ha ha!
मुझे अपने दिल में बिठा लिया होगा। हाँ यह सच है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। प्रेम को तपस्या और पुरुष को परीक्षा की कसौटी पर परखा जाता है, लेकिन राजमाता की आज्ञा है कि आपकी वीरता की परीक्षा ना ली जाए। मैं आपके लिए कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। मगर सूर्यलेखा ने अपनी चतुराई से राजमाता की आज्ञा का भ्रम भी रख लिया और विवाह के दावेदार अमर सिंह को परीक्षा की भट्टी में भी ठोक दिया। वो बाहें जो चट्टानों को भी चूर चूर कर दिया करती थी, अमर सिंह ने उन बाहों का घेरा तोड़ने की बहुत कोशिश की मगर सफल ना हो सका, और उसने नरभक्षक की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सूर्यलेखा जहरीली मुस्कुराहट के साथ चली गई और पीछे छोड़ गई अमर सिंह की लाश। अमर सिंह की मृत्यु ने संग्रामगढ़ के सर्वनाश में पहली चिंगारी का काम किया। राजमाता, तोड़ दीजिए यह परंपरा कि राजकुमारी का विवाह होना जरूरी है, इसलिए कि इस पृथ्वी पर आपकी राजकुमारी के योग्य कोई पुरुष नहीं है। हाय, हाय, हाय!